हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में एक जैपनीज मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उस मूवी का नाम है हाई स्कूल डेब्यू। ये मूवी बहुत ही फनी और रोमांटिक भी है, तो आप लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते, लेट्स गो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मूवी की फीमेल लीड को देखने को मिलता है जिसका नाम है हरुना। हरुना ने अपनी जूनियर हाई स्कूल की आधी जिंदगी को अपनी मन पसंदीदा खेल सॉफ्टबॉल में ही गुजार दिया। दिन हो या रात हो, हरुना के लिए एक ही चीज मैटर करती थी और वो थी सॉफ्टबॉल, जिसके कारण हरुना बाकी हाई स्कूल लड़कियों की तरह ना ही कभी स्टाइलिश कपड़े पहन पाई और ना ही कभी मेकअप कर पाई। इसलिए हरुना ने डिसाइड किया कि जब वो सीनियर हाई स्कूल पहुंचेगी तब वो अपना सॉफ्टबॉल करियर क्विट कर देगी और स्टाइलिश कपड़े पहनकर अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढेगी। उसके बाद हरुना सीनियर हाई स्कूल पहुंची तो सही, पर दिन बदलते गए, बसंत बदलते गए, लेकिन हरुना अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ नहीं पाई। हरुना अपने स्कूल के गेट पे अपने लिए प्यार की तलाश में खड़ी रहती है, तभी एक मोटू सा लड़का सर्वे के लिए हरुना के पास आता है, पर हरुना उससे बात करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है। तभी अचानक से हरुना नीचे गिर जाती है और उसके जूते भी कहीं दूर जाके गिर पड़ती है। हरुना अपने जूते को ढूंढने लगती है, तभी एक हैंडसम सा लड़का हरुना के पास आता है और हरुना को कहता है कि ये जूते क्या तुम्हारे हैं? तभी हरुना उस लड़के को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसे थैंक्स कहकर जूते लेकर वहाँ से भाग आती है। उसके अगले दिन स्कूल में हरुना अपने दोस्त से कहती है कि मैं एक बार फिर से फेल हो गई बॉयफ्रेंड लेने में। फिर हरुना की दोस्त हरुना को कहती है कि तुम एक कोच क्यों नहीं लेती जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम लड़कों को अट्रैक्ट कर पाओ। ये आइडिया हरुना को बहुत पसंद आ जाता है और तभी उसके आंखों के सामने यो की तस्वीर आ जाती है जिसने हरुना के जूते को लौटाया था। तभी फिर से लक बाई चांस हरुना उस लड़के को यानी कि यो को अपने स्कूल में देखती है। यो को देखकर हरुना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ने लग जाती है और बिल्डिंग के ऊपर से जंप करके यो के सामने आ जाती है। उसके बाद हरुना अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जिसका आपने बदसूरत सा जूता उठाया था। फिर वो यो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका कोच बन जाए और उसे पॉपुलर होने में उसकी मदद करे, लेकिन यो ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि हरुना की फैशन सेंस बिल्कुल आउट ऑफ सेंस है और इससे भी ज्यादा यो को लड़कियों से प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि लड़कियां हमेशा परेशानी करती है, लड़कियां जो भी करती है अपने मुताबिक करती है, किसी की भी नहीं सुनती है, इसलिए यो किसी लड़की के आजू बाजू रहना पसंद नहीं करता है। उसके अगले सीन में हरुना और यो की बहन असामी की दोस्ती हो जाती है। असामी अपने भाई की तरफ से हरुना से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अतीत के कुछ चीज़ों के कारण यो लड़कियों से नफरत करता है और सभी लड़कियों को अपना दुश्मन समझता है। माफ़ी के तौर पर असामी हरुना को अपने घर इनवाइट करती है और हरुना को अपने कुछ कपड़े ट्राई करने को कहती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि यो भी घर में होता है और हरुना की ड्रेस को देखकर यो कहता है कि तुम ऐसे कभी पॉपुलर नहीं बन सकती। फिर तभी यो हरुना से ये भी पूछता है कि तुम पॉपुलर क्यों बनना चाहती हो। फिर हरुना शर्माती हुई कहती है कि वो प्यार की तलाश में है, उसे एक बॉयफ्रेंड बनाना है। ये सुनकर यो हरुना से कहता है कि तुम प्यार जरूर ढूंढ रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, रिलेशनशिप में हमेशा खुशी नहीं मिलती है, इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ये सब कहकर यो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हरुना यो को कहती है कि उसे पता है रिलेशनशिप में हमेशा खुशियाँ नहीं मिलती है, कभी कभी हमें बुरा बग भी देखने को मिलता है और कभी कभी रोने को मिलता है, पर अगर आप अपना बेस्ट दे तो बाद में पछताना भी नहीं पड़ता है, इसलिए हरुना इसे एक बार ट्राई करके अपना बेस्ट देना चाहती है। उसी दिन रात को असामी टीवी पर हरुना की एक मैच देख रही थी, जहाँ पर हरुना अपने स्पीच में कहती है कि अगर आप अपना बेस्ट दे तो लाइफ में कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। और ये सब यो भी सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद हरुना की डिटर्मिनेशन को देख कर यो हरुना की कोच बनने को राजी होता है और एक कंडीशन रखकर कहता है कि तुम मेरे प्यार में कभी मत पड़ना, अगर ऐसा किया तो ये दिल कैंसिल। हरुना इस कंडीशन को एक्सेप्ट करती है। के अगले दिन यो हरुना की पॉपुलैरिटी कोचिंग स्टार्ट करता है, जहां लेसन वन पर है ड्रेसिंग। फिर यो हरुना को सूट करने वाला स्कर्ट ढूंढने दोनों एक स्टोर पर आते हैं। यो हरुना को स्टोर पर रखे हुए अच्छे अच्छे स्कर्ट ट्राई करने को कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्कर्ट हरुना को सूट नहीं करती है। इसके बाद यो हरुना को अपने साथ घर लेके आता है और उसे कुछ लड़कों के कपड़े पहनने को कहता है। लड़कों के कपड़े पहनने के बाद हरुना अच्छी दिखती है, जिसे देख कर यो को पता चलता है कि हरुना को लड़कों के कपड़े ज्यादा सूट करता है। फिर तभी वहाँ पर यो के दोस्त आ जाते हैं और जिसके बाद सभी लोग मिलकर वहाँ पर डिनर करते हैं, लेकिन यो हरुना की ड्रेस की स्केच बनाने के लिए अंदर चला जाता है।
यो के दोस्त के साथ बातें करते समय हरुणा को ये पता चलता है कि जब यो जूनियर हाई स्कूल के बास्केटबॉल क्लब में था तब वो क्लब के मैनेजर को डेट करता था, लेकिन क्लब की दूसरी मैनेजर भी यो को लाइक करती थी। उस लड़की ने यो को पाने के लिए उसके गर्लफ्रेंड को डेट करने की झूठी बातें कही थी, जिसे सुनकर यो की गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर भरोसा नहीं रखा और उससे ब्रेकअप कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद यो का लड़कियों में से भरोसा उठ गया और तो और लड़कियों से नफरत भी करने लगा। और तभी वहाँ पर यो आ जाता है, जिसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन हरुणा जोर जोर से रोने लग जाती है और यो को देखकर कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी और आपको कभी निराश नहीं करूंगी। उसके अगले दिन हरुणा की पॉपुलैरिटी लेसन 2 स्टार्ट होती है, जहाँ पर यो हरुणा को उसके फ्रेंड फूमियो के साथ डेट पे जाने को कहता है। यो हरुणा को फूमियो के साथ बात करने को कहता है, फिर फूमियो भी हरुणा के साथ डेट पे जाने को रेडी होता है, लेकिन हरुणा पहली बार डेट पे जा रही थी और वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, इसलिए उसने यो को भी अपने साथ आने को कहा। हरुणा के बहुत ज्यादा कहने के बाद यो कहता है कि मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे, और तुम्हें दूर से ही मैसेज करके गाइड करते रहूंगा। फिर अगले दिन यो और हरुणा डेट पर जाता है और वहाँ पर फूमियो हरुणा के इंतजार में खड़ा रहता है, जिसे देखकर हरुणा कहती है, लोगों को इतना इंतजार करवाना बुरी बात है। लेकिन यो हरुणा को रोककर कहता है, जनरली लड़कियां लड़कों का इंतजार करवाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हरुणा तो एक अच्छी लड़की, इसलिए उसे किसी को वेट करना पसंद नहीं। इसलिए वो बेकाबू हो जाती है और दौड़कर फूमियो के पास चली जाती है और उसे वेट करवाने के लिए माफी मांगती है, जिसे देखकर यो का खून खौलने लगता है। उसके बाद फूमियो और हरुणा की डेट प्रैक्टिस शुरू होती है, लेकिन हरुणा तो कभी कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाती है और कभी कभी फूकर की तरह खाने लग जाती है। ये सब देखकर यो हरुणा को मैसेज करके कहता है कि वो एक डेट पर आई है, ना कि अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आई है, इसलिए उसे वैसे ही बिहेव करना चाहिए, बीच पे जाना चाहिए, बातें करनी चाहिए। उसके बाद हरुणा फूमिया के साथ बीच पे आती है, तभी वो फूमिया से पूछती है कि उसे कैसी लड़कियाँ पसंद है, जिसका जवाब देते हुए फूमिया भी कहता है कि उसे हरुणा की जैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल पसंद है। जिसे सुनने के बाद हमारी भोली भाली हरुणा यो को मैसेज करके पूछती है कि फूमियो को उसकी जैसी लड़कियाँ पसंद है, क्या इसका मतलब ये है कि वो उसे लाइक करता है। पर यो हरुणा को मिसअंडरस्टूड होने के लिए मना करता है, लेकिन हरुणा यो की बात को ध्यान नहीं देती और अपना कन्फेशन फूमियो के सामने कर देती है, जिसे देखकर यो हरुणा को मैसेज करके कहता है उसे जो करना है वो करे और वो उसकी मदद नहीं करेगा, और ऐसा कह के वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। डेट खत्म होने के बाद जब हरुणा अपनी मोबाइल चेक करती है तब यो की गुस्से भरा मैसेज देखकर उसे सॉरी कहने उसके घर चली जाती है। हरुणा जब यो के घर पहुंची तभी वहां पर उसे फूमिया और असामी किस करते हुए दिखाई दी, जिसे देखकर हरुणा हार्ट ब्रोकन होकर वहां से दौड़ के चली आती है। तभी वहां पर यो हरुणा को रोककर भागते हुए देखता है, जिसके बाद जब वो घर के अंदर आता है तब उसे पता चलता है कि फूमिया और असामी अब डेट करेंगे। तभी यो जान लेता है कि इसी कारण हरुणा वहां से भाग गई। फिर उसके बाद यो हरुणा को हौसला देने हरुणा के पास आता है और हरुणा से पूछता है कि क्या सच में वो फूमिया से प्यार करने लगी है। हरुणा कहती है उसे पता नहीं पर उसे बुरा लग रहा है, और ये कहकर वो रोने लगी। लेकिन यो हरुणा को हौसला देते हुए कहता है कि वो उसके लिए एक अच्छा लड़का जरूर ढूंढेगा, जिसे सुनकर हरुणा भी कहती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी। उसके अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि फूमियो, असामी, हरुणा और यो चारों मिलकर डबल डेट पर जाते हैं। कुछ देर घूमने के बाद फूमिया और असामी ये सेपरेट हो जाते हैं और हरुणा और यो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर तभी हरुणा अपने जूनियर से मिलती है और उन लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए सॉफ्टबॉल की गेम खेलती है, और फिर वही यो भी चुपचाप बैठकर हरुणा को खेल खेलते हुए दिखता है। लेकिन तभी हरुणा को ये याद आता है कि वो तो डेट प्रैक्टिस पे आई है, इसलिए वो वहाँ से चली आती है यो के पास और उसे सॉरी भी कहती है। लेकिन यो हरुणा को सॉरी बोलने के लिए मना करता है और कहता है कि वो उसी टाइम सबसे ज्यादा खुश दिखती है जब वो सॉफ्टबॉल की गेम खेलती है, इसलिए यो हरुणा को कहता है कि बॉयफ्रेंड बनाने के लिए उसे अपने गेम को क्विट करने की कोई जरूरत नहीं है, और कहता है कि ऐसा लड़का जरूर होगा जो उसे वो जैसी है वैसे ही पसंद करेगा। यो से अपने लिए फर्स्ट टाइम प्रशंसा सुनकर हरुणा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घर जाके ये सोचने लग जाती है कि कहीं वो यो को लाइक तो नहीं करने लगी, पर हरुणा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि यो उसका कोच है। उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि स्कूल में यो को चाहने वाले कुछ लड़कियां हरुणा से जेलस होकर उसे बुली करने लगते हैं। फिर भी हरुणा ये सब सहन करती है और कुछ भी नहीं कहती है। तभी हरुणा को एक चिट मिलता है जहाँ पर यो की तरफ से लिखा हुआ रहता है कि वो जिम के स्टोर पे उसका वेट करेगा। हरुणा को लगता है ये डेट प्रैक्टिस है, इसलिए वो एक्साइटेड होकर यो से मिलने जाती है।
तभी अचानक से स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देखकर हरुणा को पता चलता है कि यो और वो किसी ट्रैप में फंस गए हैं। थोड़ी देर के बाद यो की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि यो को बुखार था इसलिए उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, जिसे देखकर हरुणा अपने जैकेट उतारकर यो को पहना देती है और स्टोर रूम में पड़ी हुई एक ब्लैंकेट भी उसे उड़ा देती है। थोड़ी ही देर बाद हरुणा को भी बहुत ठंड लगने लगती है, जिसे देखकर यो हरुणा को अपने पास खींच लाता है और दोनों ही एक कंबल के अंदर एडजस्ट करने लगते हैं। लेकिन यो की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिसे देखकर हरुणा यो को प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। फिर तभी उनके दोस्त आकर दरवाजे को खोलते हैं और हरुणा और यो को वहां से बाहर निकालते हैं। पर यहाँ पर हरुणा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उन बुली गर्ल्स को मजा चखाने के लिए उनके पास जाती है और वहां से उन लोगों को सजा देकर वापस आती है। वापस आने के बाद हरुणा और यो घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में हरुणा यो को ये सब परेशानी के लिए माफी मांगती है और उसके तबीयत का ख्याल रखने के लिए कहती है, लेकिन यो हरुणा को माफी मांगने के लिए मना करता है और उस परेशानी से उसे बचाने के लिए हरुणा से थैंक यू कहता है, जिसे सुनने के बाद हरुणा के दिल पे जोर से झटका लग जाता है। फिर उस दिन के बाद घर हो या क्लासरूम, हरुणा सिर्फ यो का ही नाम लेने लगती है। और जब यो हरुणा के पास आता है तब हरुणा उसे इग्नोर करने लगती है, जिसके बाद हरुणा को फाइनली पता लगता है कि वो यो को लाइक करने लगी है। उसके अगले दिन यो हरुणा के लिए क्रिसमस से पहले बॉयफ्रेंड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हरुणा को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता है। फिर तभी वहाँ पर असावका आ जाता है और कहता है कि हरुणा किसी और को लाइक करती है, इसलिए वो सबको रिजेक्ट कर रही है। लेकिन हरुणा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर असावका उसे अपने साथ डेट पे जाने को कहता है, लेकिन हरुणा फिर से उसे मना कर देती है। उसके अगले सीन में बस स्टॉप पे हरुणा एक लड़की से मिलती है। वो लड़की हरुणा को अपने रिलेशनशिप के ट्रबल्स के बारे में बताती है, जिसे सुनकर हमारी भोली भाली हरुणा अपने प्रॉब्लम्स को छोड़कर दूसरे की प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कसम लेती है। फिर उसी रात यो हरुणा से मिलता है और हरुणा से पूछता है कि वो उसने डिसाइड किया कि नहीं कि वो क्रिसमस पर क्या करेगी। लेकिन हरुणा बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। तब यो को लगता है कि वो असावका है और उन दोनों को डेट करने को कहता है और ये भी कहता है कि दोनों एक साथ अच्छे दिखेंगे, जिसे सुनने के बाद हरुणा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और यो को इडियट कहती है और ये भी कहती है कि आज से वो उसका कोच नहीं है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली आती है, जिसके बाद नेक्स्ट डे से हरुणा और यो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। एक दिन हरुणा उस बस्तों वाली लड़की से फिर से मिलती है और वो उसे उसके एक्स के घर लेके आती है, और जब वो पहुंचते हैं तब हरुणा को पता लगता है कि ये घर यो का है और वो लड़की दरअसल यो की एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसे जाने के बाद हरुणा एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उस लड़की को अकेले ही जाने को कहती है। जब वो जाती है तब असामी दरवाजा खोलती है और उस लड़की को झूठ बोलती है कि यो घर पर नहीं है, जिसे सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से रोके चली आती है। बाद में हरुणा उस लड़की को बताती है कि वो यो को पहचानती है, जिसके बाद वो लड़की हरुणा को एक लेटर देकर कहती है कि वो यो को क्रिसमस ईव पे मिलना चाहती है। उसके नेक्स्ट डे स्कूल में हरुणा एकदम दुखी आत्मा की तरह बैठी होती है, तभी असाका और फूमिया ये नोटिस करते हैं कि यो और हरुणा एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। तभी असाका यो से कहता है कि यो हरुणा को लाइक करता है लेकिन ये फेस करने में डरता है, लेकिन यो इसे नकारता है, जिसके बाद असावका यो को जलाने के लिए हरुणा से डेट करने के लिए पूछने जाता है, जिसे देखकर यो थोड़ा थोड़ा जेलस फील करने लगता है। नेक्स्ट डे असावका और हरुणा डेट पे जाते हैं। डेट पे असावका हरुणा को किस करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर यो आ जाता है और उन दोनों को रोकता है। उसके बाद यो हरुणा से कहता है कि उसे अब भी कुछ सीखना बाकी है और हरुणा को क्रिसमस पे उसके साथ डेट पे जाने के लिए पूछता है, जिसे सुनने के बाद हरुणा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आता है क्रिसमस का ईव, जहाँ पर यो और हरुणा दोनों डेट पर जाते हैं। थोड़े समय टाइम स्पेंड करने के बाद हरुणा यो को उसके एक्स गर्लफ्रेंड ने दी हुई लेटर को उसके हाथ में देती है। लेटर देने के साथ साथ हरुणा यो के लिए अपने फीलिंग्स को उसके सामने कन्फेस करती है और हरुणा ये भी कहती है कि उसे पता है कि वो दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, इसलिए वो यो को उसके एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने को कहती है और उसके साथ हैप्पी रहने को कहती है, और ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हरुणा सिर्फ यो के ही बारे में सोचती रहती है और उसे रियलाइज होता है कि वो यो को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसे खोना नहीं चाहती है, जिसके बाद वो यो को ढूंढने दौड़ने लग जाती है। दौड़ते दौड़ते हरुणा फिर से वापस नीचे गिर जाती है और उसके जूते जाके कहीं दूर गिर पड़ते हैं, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि यो फिर से उसके जूते वापस लौटाता है। यो हरुणा से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड से मिला जरूर, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो हरुणा से प्यार करने लगा है।
यो हरुना को ये भी कहता है कि उसे उसके कपड़ों से मेकअप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे वो जैसी है वैसी ही पसंद है। और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट में यो हरुना को डेट के लिए पूछता है और दोनों एक साथ गले मिलाते हैं और किस करते हैं, और ऐसे ही हमें हरुना और यो की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों को ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।